Well, in an encounter with Maoists at approximately 7 a.m. earlier today, Sub-Inspector Sudhakar Reddy of the CRPF's 165th Battalion lost his life while a constable with him, Ramu, was injured. The soldier is being given first aid and has now been airlifted for treatment. Four suspects have been taken into custody and intensive searching is being carried out at this point in time. The Deputy Chief Minister of Chhattisgarh has issued a statement on the incident wherein he has said that it is a sad incident and the Chief Minister will soon take action on this. Let us listen in. स्पीड में चलने वाली सरकार है साहब। सर नक्सली अटैक जो हुआ उसके बारे में बता देते। बहुत दुखद है, लगातार तीसरा है नई सरकार बनने के बाद और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर तुरंत ही बड़ा निर्णय लेंगे। दीपक, माय कलीग इज जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट टू गिव अस मोर डिटेल्स अबाउट दिस। दीपक, क्या ताजा जानकारी मिल सकती है इस घटना के बारे में? तीन दिन से लगातार नक्सलियों का हमला हो रहा है बस्तर का जो अंचल है, चाहे वो सुकमा हो, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो। तीन नक्सली हमलों में दो जवानों की शहादत हो चुकी है। तो समझा जा सकता है कि एक तो नक्सली भी उसी तरीके से चलते जैसे सरकार का सब चलता। सरकार बदली है, लगातार विरोध कर रहे थे, विरोध के बाद अब अपना दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा नक्सलियों द्वारा। और जो ये वेदर है, ये बारिश का और ये ठंड का वेदर है, तो जो बस्तर के इलाके हैं वहां पर नक्सली एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, क्योंकि जो गढ़चिरौली का इलाका है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, जो आंध्रा तेलंगाना उड़ीसा की जो सीमाएं हैं वहां से इनका आना जाना जब शुरू होता है तो उस बीच ये इस तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हैं कि एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरीके के जो आईडी ब्लास्ट, क्योंकि ये आईडी ब्लास्ट के जो नंबर्स होते हैं ये इनके पास बहुत पुराने रिकॉर्ड में रहता है। जब कभी सड़कें बनती हैं, रोड बनती है तो वहां पर ये प्लांट कर देते हैं। कल जानकारी निकल के आई थी कि दंतेवाड़ा में 21 आईडी ब्लास्ट बरामद हुए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जब इस तरीके से लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है तो उसी तारतम्य में ये नक्सली घटनाएं लगातार हो रही है। लेकिन विजय शर्मा जो कह रहे थे, जो उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, उन्होंने कहा हमारी सरकार जल्द ही कोई सख्त कदम उठाएगी। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब नई नवेली सरकार है, तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के दावे। हम देखना होगा कि कब तक नक्सलियों की कमर तोड़ने का प्रयास किया जाता है, कब तक नया कोई रूपरेखा इसके ऊपर बनाई जाती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.